हेलो बच्चों, आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वाईफाई मैथ्स बाय धर्मवीर सर पर। जैसा कि आपको पता है कि हमारा क्लास 12th के लिए चैप्टर 8 चल रहा था, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव और एक्सरसाइज 8.2 पढ़ रहे थे हम, जिस पर दो वीडियो हमारी ऑलरेडी अपलोड हो चुकी है। ठीक है, अगर आपने नहीं देखी है तो उसका लिंक आपको नीचे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाकर के देख सकते हैं। ठीक है, और 1 to 7 चैप्टर भी हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। ठीक है, तो आज हम देखने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 19 तक हमारा पिछली वीडियो में कंप्लीट हो गया था, क्वेश्चन नंबर 20 से देखने जा रहे हैं भाई। तो क्या है, देखिए क्वेश्चन नंबर 20 क्या करना है आपको, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। स्टेटमेंट को थोड़ा ध्यान से और फुर्सत के साथ समझने की कोशिश करें आप कि फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है। तो देखिए इसी से आपको समझ में आ गया ये कि एक तो आपको चाहिए स्लोप और दूसरा चाहिए आपको पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स और वाई की वैल्यू, क्योंकि किसी भी की इक्वेशन लिखनी हो, चाहे टेंजेंट हो चाहे नॉर्मल हो, एक्स वाई की वैल्यू और स्लोप चाहिए। ठीक है ना, टू द गिवन कर्व, इस कर्व पर जो टेंजेंट है उसकी इक्वेशन आपको लिखनी है। तो साथ ही बोल रहा है विच इज पैरेलल टू द लाइन, भाई ये जो टेंजेंट है ना वो एक लाइन के पैरेलल है और उस लाइन की इक्वेशन ये आपको दी हुई है। ठीक है ना, तो देखिए सबसे पहले तो हम बात करेंगे किसकी, स्लोप की, भाई स्लोप कहां से आए। तो देखिए यहां पर लिखा हुआ है पैरेलल और इसी के पीछे इसका सॉल्यूशन छुपा हुआ है पूरा। पैरेलल बोला है, किसको पैरेलल बोला है, टेंजेंट को, किसके, इस लाइन के। तो भाई इस लाइन के अगर टेंजेंट पैरेलल है तो जितना स्लोप इस लाइन का होगा उतना ही हमारी टेंजेंट का होगा। अब बात ये आती है, चलो ये तो है सेम होगा, लेकिन लाइन का स्लोप कहां से लेके आए। तो देखिए लाइन की इक्वेशन दे रखी है और जब इक्वेशन गिवन हो ना तो उसका इक्वेशन का स्लोप निकालने के लिए, उस लाइन का स्लोप निकालने के लिए जिसकी इक्वेशन आपको गिवन है उसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज कर देते हैं। ठीक है ना, तो यही कंसेप्ट लगने वाला है। सबसे पहले तो गिवन लिख लेते हैं, द गिवन कर्व इज क्या दी हुई है भाई, वाई इक्वल्स टू स्क्वायर रूट 5x-3 और माइनस में आपके पास 2 है, ध्यान रखिए 2 पर रूट नहीं है। ठीक है ना, तो उसके बाद आपको गिवन है इक्वेशन ऑफ गिवन लाइन। तो गिवन लाइन की इक्वेशन हमारे पास क्या है भाई, वो है आपकी 4x-2y+3=0। ठीक है, तो इसको हम स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज करेंगे जो कि क्या होती थी आपकी y=mx+c। मतलब हमें यहाँ पर y को रखना है बस। ठीक है, तो y की टर्म को यहीं पर रखें, 4x को उधर लेके जाएंगे माइनस का और 3 को उधर लेके जाएंगे माइनस का। मुझे केवल यहाँ पर y चाहिए तो माइनस का 2 मल्टीप्लाई हो रहा है, ये इसके y के साथ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई, तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड। तो देखिए ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, मतलब चलिए मैं लिखी देता हूँ -4x/-2 और -3/-2। ठीक है, तो ये माइनस का 2 जो है ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके दोनों को से मैंने अलग अलग डिवाइड कर दिया है। क्लियर है भाई, तो यहाँ पर देखिए माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा, ये भी माइनस से माइनस कैंसिल हो गया, या फिर माइनस माइनस आप प्लस कर सकते हैं, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो y इक्वल्स टू हमारे पास क्या बचा है यहाँ से, 2x और प्लस में क्या बचा है भाई, 3/2 बचा है। क्लियर है, तो ये आपकी स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में चेंज हो गई है ये वाली इक्वेशन। तो इसका स्लोप हम लिख सकते हैं, क्योंकि जो स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म होती है वो क्या होती है, वाई इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी होती है, यानी कि एक्स के साथ जो कोएफिशिएंट होता है वो आपका क्या होता है, स्लोप होता है। तो इस लाइन का स्लोप कितना हुआ, 2 हुआ ना, तो यहाँ पर हम क्या लिख देंगे भाई, स्लोप ऑफ लाइन, स्लोप ऑफ गिवन लाइन। ठीक है ना, स्लोप ऑफ गिवन लाइन कितना हो गया है, 2। तो अगर इस लाइन का स्लोप 2 है तो हमारी टेंजेंट का स्लोप भी कितना होगा, 2 होगा, क्योंकि पैरेलल है। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगा भाई, यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट हो गया हमारे पास 2। क्लियर है, स्लोप तो आ गया भाई, अब हमें चाहिए पॉइंट। पॉइंट का मतलब एक्स वाई की वैल्यू। अब एक्स वाई की वैल्यू कहां से निकाले, तो देखिए जो चीज गिवन होती है ना उसी का फायदा उठाते हैं हम। यहाँ पर स्लोप ऑफ टेंजेंट हमारे पास आ चुका है और इसका मैं डेरिवेटिव करता हूं तो वो भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट होगा, और दोनों चीजें सेम होगी तो इक्वल रख दूंगा, एक्स की वैल्यू आ जाएगी वहां से। ठीक है ना, तो इस फर्स्ट इक्वेशन का हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन करेंगे स्लोप ऑफ टेंजेंट निकालने के लिए। ठीक है, ये भी स्लोप ऑफ टेंजेंट है लेकिन इसका डेरिवेटिव करेंगे वो भी क्या होगा, स्लोप ऑफ टेंजेंट ही होगा, मतलब एक ही चीजें होंगी दोनों। तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स, इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है, तो वाई का जो है ना, वाई का क्या हो जाएगा, dy/dx। क्लियर है भाई, अब देखिए रूट का मैंने, अगर आपने 7th चैप्टर पढ़ा है तो रूट एक्स का मैंने डेरिवेटिव आपको सीधा याद करा रखा है भाई, रूट एक्स का क्या होता है, 1/2 √x। ठीक है,
आप अगर इसका तरीके से करना चाहते हैं तो रूट को क्या लिखेंगे, 1 बाई 2 पावर लिखेंगे और x की पावर n का फॉर्मूला लगा देंगे, ठीक है ना। x की पावर n का फॉर्मूला क्या होता था, n इंटू एक्स रेज टू पावर n माइनस 1, ठीक है। लेकिन अगर सीधा करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, ये चीज आप अप्लाई कर सकते हैं, एक दो स्टेप कम हो जाते हैं आपके। रूट एक्स का डेरिवेटिव क्या होता है, 1 अपॉन 2 रूट ऑफ एक्स। कैसे याद करा रखा है भाई, 1 अपॉन में 2 लिखो और उस टर्म को एज इट इज लिख दो, ठीक है ना। तो जब भी रूट का करना हो तो देखिए, इस रूट का करेंगे तो क्या लिखूंगा मैं, 1 अपॉन में 2 लिखूंगा और इस टर्म को सेम लिख दूंगा भाई। ये क्या हो गया, 5x माइनस 3। तो ये किसका डेरिवेटिव कर दिया है मैंने, इस रूट का कर दिया है, स्क्वेयर रूट का कर दिया है भाई, खाली स्क्वेयर रूट का दिया है, ठीक है ना। अब इसके अंदर की टर्म का होगा, तो यहाँ पर 5 आपका कॉन्स्टेंट है, ये एज इट इज रहेगा। एक्स का कितना हो जाएगा 1, 3 के साथ एक्स नहीं है, इसका क्या हो जाएगा 0। यहाँ पर 2 के साथ भी x नहीं है, इसका भी क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो यहां से जो फाइनल आपको मिला, 5 बन जा 5 और 5 को फिर 5 1 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 भी आएगा, अपॉन में क्या है 2 और रूट के अंदर क्या है भाई 5x माइनस 3। ये फाइनल आ गया आपके पास, ठीक है। तो ये आपके पास dy अपॉन dx की वैल्यू आ गई, मतलब स्लोप ऑफ टेंजेंट आ गया, और ये भी क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट है। जब दोनों चीजें सेम है तो हम इक्वल लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या हो जाएगा, 5 2 रूट ऑफ 5x माइनस 3 किसके इक्वल होगा भाई 2 के, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, 1 लेट कर लो और क्या कर दोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, ठीक है। तो देखिए यहां पर इस 1 को मैं 5 से मल्टीप्लाई करूंगा, 5 आएगा इक्वल टू 2 को 2 से मल्टीप्लाई करूंगा, कितना हो जाएगा 4, और साथ में इसके क्या थी, रूट की टर्म थी, तो वो क्या है आपकी 5x माइनस 3, क्लियर है। अब यहां पर हम क्या कर देंगे, स्क्वेयरिंग बोथ साइड कर देंगे। क्यों भाई, स्क्वेयरिंग कैसे, कैसे पता लगा स्क्वेयरिंग करेंगे, तो देखिए रूट को रिमूव करेंगे तभी तो एक्स बाहर आएगा, और जब एक्स बाहर आएगा तभी उसकी वैल्यू निकाल पाएंगे, ठीक है ना। तो रूट आपको दिख रहा है तो सीधी सी बात है स्क्वेयरिंग बोथ साइड करना है, ठीक है ना, रूट को रिमूव करने के लिए। तो स्क्वेयरिंग बोथ साइड भाई, तो यहां पर 5 का स्क्वेयर तो क्या हो गया 25, 4 का स्क्वेयर कितना हो जाएगा 16, और इसका जब स्क्वेयर करूंगा ना तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 5x माइनस 3 बचेगा, ठीक है। सभी का स्क्वेयर हुआ है, 5 का 25, 4 का 16, और इसका जब स्क्वेयर किया तो स्क्वेयर से स्क्वेयर रूट क्या हो गया, कैंसिल हो गया, ठीक है। अब इसको मुझे थोड़ा सिंप्लीफाई करना है, तो देखिए मैं क्या करता हूं, 16 को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं भाई। तो यहां पर था मेरे पास, इधर कितना था 25, 16 को 5 से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा 80 हो जाएगा, ठीक है ना, 80 और x, और 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा तो कितना हो जाएगा भाई, माइनस का 48 हो जाएगा, ठीक है, माइनस का क्या हो गया 48, क्लियर है। अब हमें तो x की वैल्यू निकालनी है यहां से, तो माइनस का 48 इधर आएगा, हमारा 25 पहले था, माइनस का 48 इधर आया, किसका हो गया भाई प्लस का, और इक्वल्स टू में क्या बचा है 80x। अब इन दोनों को ऐड कर लेते हैं हम, ठीक है। तो ऐड करेंगे तो 8 और 5 कितना हो गया 13, 1 कैरी, 4 और 2 कितना हो गया 6 और 1 कैरी कितना हो गया 7, और इक्वल्स टू क्या हो गया भाई 80x। 80 यहां पर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर आके क्या होगा, डिवाइड होगा, ठीक है। तो x की वैल्यू आपके पास क्या आ गई भाई 73/80, ये खाली x की वैल्यू आई है, ठीक है। स्लोप आपके पास 2 आ गया था, x की वैल्यू ये आ गई है, अभी हमें y की वैल्यू और चाहिए। तो देखिए y की वैल्यू के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू को इक्वेशन नंबर फर्स्ट में रखना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए इक्वेशन नंबर फर्स्ट में यहां पर रख देते हैं, पुट कर रहे हैं हम x इक्वल्स टू 73/80 इन इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है भाई, फर्स्ट इक्वेशन में रिप्लेस कर रहे हैं। तो यहां पर आपके पास y इक्वल्स टू स्क्वेयर रूट आपको नजर आ रहा होगा 5, तो मैंने लिख दिया 5x, x की वैल्यू कितनी है भाई 73/80, तो यहां पर लिख दिया मैंने 73/80, ठीक है, और माइनस में कितना है 3 है, और 2 जो है ना वो स्क्वेयर रूट से बाहर है, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो इसको थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं भाई, 5 से ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 16 पर, तो y इक्वल्स टू आपके पास बचा है स्क्वेयर रूट, ऊपर बचा है 73 अपॉन में बचा है 16, और माइनस में कितना है 3, और स्क्वेयर रूट से बाहर कितना है माइनस का 2। अब इनका लेंगे एलसीएम, तो एलसीएम लेंगे तो कितना होगा, थोड़ा सिंप्लीफाई ज्यादा है और कुछ नहीं है भाई, 16 एलसीएम आ गया। तो यहां से बचा आपका 73 माइनस 16 को 3 से मल्टीप्लाई करूंगा 48, और बाहर कितना था माइनस का 2, ठीक है। तो 73 में से 48 को आप माइनस करेंगे तो कितना बचेगा आपके पास 25 बचेगा भाई, कितना बचेगा 25, और अपॉन में कितना था 16, ठीक है, और माइनस में कितना था 2। तो अब आप यहां से देख सकते हैं भाई 25 का भी स्क्वेयर रूट होता है, 25 का स्क्वेयर रूट कितना होता है 5, और 16 का कितना होता है 4, और माइनस में आपके पास कितना है 2 है। अभी इसको थोड़ा सा और सोल्व करना है, हमें सिंप्लीफाई करना है, क्या लेके लेना पड़ेगा
एलसीएम लेना पड़ेगा इसका, ठीक है। तो एलसीएम ले लेते हैं, एलसीएम कितना आएगा वहां से भाई, तो एलसीएम आएगा आपका यहां से कितना आ जाएगा, फोर आ जाएगा, ठीक है। तो एलसीएम कितना आ गया यहां से, फोर। तो इसके साथ जब सोल्व करेंगे, फोर से फोर कैंसिल हो गया, कितना बचा फाइव, माइनस फोर को टू से मल्टीप्लाई करूंगा कितना हो जाएगा एट, ठीक है। तो फाइव माइनस एट कितना बचा भाई, माइनस का थ्री और अपॉन में कितना बचा है फोर। तो ये आपके पास किसकी वैल्यू आ गई है, वाई की। एक्स की कितनी आई थी, एक्स की आ गई थी आपके पास 73/80, ठीक है। ये एक्स वाई की वैल्यू हो गई और स्लोप ये रहा। लिख देते हैं इक्वेशन, तो क्या लिखेंगे, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन हो चाहे किसी की भी हो, फॉर्मूला क्या था, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है। तो जिसकी भी इक्वेशन आपको लिखनी है उसी का स्लोप लिखना होता है। वाई माइनस वाई वन, वाई वन आपका कितना आया भाई, यही वाई वन है, तो माइनस इसमें है, माइनस फॉर्मूले में माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, थ्री बाई फोर एम, यानी कि स्लोप, स्लोप कितना आया था भाई टू आया था। एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन कितना है आपका 73/80, ठीक है, ये हो गया है। अब क्या करना है भाई, थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर एलसीएम कितना हो जाएगा फोर, फोर को वाई से मल्टीप्लाई करूंगा फोर वाई, इसके साथ सोल्व करूंगा, फोर से फोर कैंसिल हो जाएगा, कितना बचेगा थ्री, टू को अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूँ क्या हो जाएगा टू एक्स, टू को इसके साथ मल्टीप्लाई करूंगा तो टू से एट्टी कैंसिल हो जाएगा, कितने पर कैंसिल हो जाएगा फोर्टी पर, ठीक है। तो ये आ गया, क्लियर है भाई। अब इसका भी एलसीएम ले लें या पहले ही ले लेते आप, तो चलिए इसका भी एलसीएम ले लेते हैं, यहीं पर ले लेते हैं। तो ये हो जाएगा आपका फोर वाई प्लस थ्री और अपॉन में कितना था फोर इक्वल्स टू, यहां से एलसीएम क्या हो गया फोर्टी, फोर्टी को टू से मल्टीप्लाई करूंगा क्या हो जाएगा एटी एक्स, और यहां पर फोर्टी से फोर्टी कैंसिल हो गया तो कितना बचा भाई 73 बचा, ठीक है। तो वो थोड़ा सिंप्लीफाई कर रहे हैं, वैसे इक्वेशन तो यहीं पर बन गई थी, लेकिन सिंपलेस्ट फॉर्म में लेके आना होता है किसी भी चीज के रिजल्ट को, ठीक है ना, आंसर आपका तभी मैच करेगा। तो देखिए इसको और थोड़ा सोल्व कर रहे हैं, तो ये आगे इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं भाई। ये फोर आपका यहाँ पर डिवाइड हो रहा है, ठीक है, इधर आएगा तो क्या होगा मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ से हो जाएगा फोर वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू, यहाँ पर कितना है एटी एक्स माइनस 73 अपॉन में कितना है 40, ठीक है। और ये डिवाइड हो रहा था तो इधर आके क्या हो गया भाई मल्टीप्लाई हो गया है, ठीक है। फोर से ये कितने पर कैंसिल हो जाएगा 10 पर, तो यहाँ से क्या बचा हमारे पास फोर वाई प्लस थ्री इक्वल्स टू, यहाँ से बचा हुआ है आपके पास एटी एक्स माइनस 73 और अपॉन 10, ठीक है। अभी आप इसके अपॉन में वन एड कर लें और क्या कर लेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई, तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। देखिए इसको वन से मल्टीप्लाई करूंगा सेम आएगा एटी एक्स और माइनस का 73, ठीक है। और इनको 10 से मल्टीप्लाई करेंगे 40 को 10 से करेंगे सॉरी 4 को 10 से करेंगे 40 और 3 को 10 से करेंगे कितना हो जाएगा 30, ठीक है। अब इन दोनों को आप इधर ले आए तो यहाँ पर क्या होगा भाई एटी एक्स माइनस का 73 पहले ही था, 40y इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और 30 भी इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू क्या बचा भाई जीरो, ठीक है। तो यहाँ से आपके पास बचा हुआ है एटी एक्स माइनस का 40y, और देखिए ये माइनस का है और ये भी किसका है माइनस का है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है प्लस होता है, मतलब दोनों को ऐड करना पड़ेगा 73 में, तो 30 को ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा 103 हो जाएगा भाई, ठीक है 103, और इक्वल्स टू आपके पास क्या है भाई जीरो। तो ये आपका क्या हो गया आंसर हो गया, ठीक है। इक्वेशन तो यहीं पर बन गई थी, लेकिन थोड़ा सिंप्लीफाई करना जरूरी होता है, ठीक है, आंसर मैच कराना है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे हैं भाई हम, क्वेश्चन नंबर 23। देखिए ये मैं सोची कि बीच में काफी सारे क्वेश्चन छूट गए, वो सेम कंसेप्ट था उनके अंदर, सेम तरीका था, ठीक है। पैरेलल होगा तो आप सीधा स्लोप निकाल के डेरिवेटिव निकाल के इक्वल रख देंगे, और परपेंडिकुलर के केस में आपको क्या करना है वो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है ना, रेसिप्रोकल और नेगेटिव साइन लगा के इक्वल रख देंगे। तो यही बातें थी, आप कितनी बार बताएं। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 23, और इसके अंदर क्या देखना है हमें, इसमें क्या है पैरामेट्रिक फंक्शन आ गए हैं, मतलब थर्ड वेरिएबल आ गया है, ठीक है भाई। तो x इक्वल्स टू क्या है थीटा साइन थीटा, और y इक्वल्स टू क्या है 1 प्लस cos थीटा। तो मतलब थर्ड वेरिएबल आपका यहाँ पर क्या है थीटा है, और इनिशियल कंडीशन आपको क्या दी गई है पाई बाई टू। तो आपको करना क्या है फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट एंड द नॉर्मल, टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है और नॉर्मल की इक्वेशन निकालनी है भाई, दोनों की इक्वेशन निकालनी है, तो दोनों के स्लोप चाहिए और दोनों के लिए क्या चाहिए पॉइंट। अब आपको पता है भाई टेंजेंट और नॉर्मल का तो एक कॉमन पॉइंट होता है, क्योंकि मैंने आपको फर्स्ट डे ही बता दिया था कि ये आपकी कर्व है, ये इसकी टेंजेंट है और इस पर ये नॉर्मल होती है, ये पॉइंट जो होता है ना इसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट। ये तीनों का कॉमन होता है, कर्व का भी होता है ये, टेंजेंट का भी होता है और नॉर्मल का भी होता है, ठीक है। तो जो पॉइंट हम टेंजेंट के लिए फाइंड करेंगे वही पॉइंट हमारा किसके लिए काम करेगा नॉर्मल के लिए, ठीक है। तो चलिए देखते हैं इसका सॉल्यूशन। तो वैसे भी यहाँ पर पॉइंट फाइंड आउट करना कोई डिफिकल्ट नहीं है, क्यों नहीं है,
क्योंकि एक्स और वाई जो है आपको गिवन है यहां पर, ठीक है ना, रिजल्ट गिवन है। द गिवन कर्व आर एक्स इक्वल्स टू क्या गिवन है भाई, ए थीटा प्लस साइन थीटा, और वाई इक्वल्स टू आपको क्या गिवन है, वन प्लस कोस थीटा, और साथ ही थीटा की वैल्यू भी आपको गिवन है पाई बाई टू, ठीक है। तो अगर आप ये थीटा की वैल्यू इन दोनों में रिप्लेस करते हैं तो आपके एक्स पास एक्स वाई की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है ना। तो इसमें रिप्लेस कर रहा हूं मैं थीटा को, किससे रिप्लेस कर दूंगा, पाई बाई टू से, प्लस में क्या हो जाएगा, साइन पाई बाई टू, ठीक है भाई। तो एक्स इक्वल्स टू क्या हो गया, यहां से आपका ये पाई बाई टू सेम रहेगा, और साइन नब्बे, पाई बाई टू का मतलब क्या है, नाइन्टी है, ठीक है ना, और साइन नाइन्टी की जो वैल्यू होती है वो वन होती है। तो ये आपके पास एक्स का रिजल्ट आ गया। अब चलते हैं वाई पर, तो वाई इक्वल्स टू वन प्लस क्या था भाई, कोस थीटा, थीटा कितना है पाई बाई टू, ठीक है। इसमें भी मैंने थीटा की वैल्यू रिप्लेस कर दी क्योंकि वाई निकालना है, तो वाई इक्वल्स टू यहां पर हो जाएगा वन प्लस कोस नाइन्टी, कोस नाइन्टी की वैल्यू क्या होती है भाई, जीरो, तो वाई इक्वल्स टू वन प्लस जीरो कितना बचा, वन, तो वाई की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई, वन। तो एक्स वाई की वैल्यू आ गई, पॉइंट आ गया। अब चाहिए स्लोप, स्लोप कैसे निकालें, स्लोप के लिए मतलब हमें क्या चाहिए, डीवाई अपॉन डीएक्स। तो उसके लिए आपको डीवाई अपॉन डीएक्स अगर आपको निकालना है तो उसके लिए आपको निकालना पड़ेगा डीएक्स अपॉन डी थीटा, मतलब एक्स का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा और वाई का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू थीटा, ठीक है ना। सेवन चैप्टर में पढ़ चुके हैं आप ये चीजें, तो देखिए चलिए इनका डिफ्रेंसिएशन करते हैं विद रिस्पेक्ट टू थीटा, क्योंकि थर्ड वेरिएबल अब की बार थीटा है, ठीक है भाई। तो एक्स का करेंगे तो क्या हो जाएगा, डीएक्स अपॉन में डी थीटा, थीटा का थीटा के रेस्पेक्ट में कितना होगा, वन, क्योंकि एक्स का एक्स के रेस्पेक्ट में वन होता है, तो थीटा का रेस्पेक्ट में वन, प्लस साइन, साइन का क्या होगा भाई, कोस थीटा, ठीक है, साइन का क्या हो जाएगा, कोस थीटा। तो ये आपके पास आ गई डीएक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू। सेम इसी प्रकार से वाई का करेंगे विद रेस्पेक्ट टू थीटा, तो डीवाई अपॉन में डी थीटा, वन का क्या हो जाएगा, जीरो, कोस, कोस का क्या होता है, माइनस साइन होता है, कोस का क्या होता है भाई, माइनस साइन, ठीक है। तो देखिए जीरो लिखना कोई जरूरी नहीं है, इसको मैं खाली माइनस साइन थीटा भी लिख सकता हूं। तो आपके पास डीएक्स अपॉन डी थीटा और डीवाई अपॉन डी थीटा दोनों की वैल्यू आ गई, लेकिन मुझे तो डीवाई अपॉन डीएक्स निकालना था, तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, डीवाई अपॉन डी थीटा को डिवाइड करना पड़ेगा किससे भाई, डीएक्स अपॉन डी थीटा से, ठीक है, पढ़ी हुई चीज है, कोई नई बात नहीं है। तो डीवाई अपॉन डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है भाई, माइनस साइन थीटा, तो यहां पर मैं लिख देता हूं माइनस साइन थीटा, और डीएक्स अपॉन डी थीटा की वैल्यू मेरे पास क्या आई है, वन प्लस कोस थीटा। अब आप देख लीजिए ये आपके पास डीवाई अपॉन डीएक्स तो आ गया, थीटा आपको गिवन है, बिल्कुल गिवन है, तो थीटा इसमें आप रिप्लेस कर दीजिए, ठीक है। तो जहां भी आपको थीटा दिखाई दे रहा है वहां पर हम क्या रिप्लेस कर देंगे, पाई बाई टू। तो यहां पर मैं लिख देता हूं थीटा इक्वल्स टू क्या रिप्लेस कर रहे हैं भाई, पाई बाई टू रिप्लेस कर रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा देखिए, यहां पर ये हो जाएगा आपका माइनस साइन पाई बाई टू अपॉन में वन प्लस कोस पाई बाई टू, ठीक है भाई। तो देखिए साइन की जो वैल्यू होती है वो वन होती है, साइन की 90 पर वैल्यू कितनी होती है, वन, बाहर माइनस का साइन था इसलिए माइनस वन हो गई। कोस की 90 पर वैल्यू क्या होती है, जीरो, तो देखिए क्या बचा भाई, वन प्लस जीरो कितना आएगा, वन, तो माइनस वन अपॉन वन। अब माइनस वन अपॉन वन को खाली मैं माइनस वन भी तो लिख सकता हूं, तो स्लोप मेरे पास कितना आ गया, माइनस वन आ गया। अब हम इक्वेशन लिखेंगे, ठीक है, पहले मैं यहां पर डिफाइन कर देता हूं क्या आया, ये मेरे पास स्लोप ऑफ टेंजेंट आया है, क्या आया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट तो क्या हो गया भाई, स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका जो आया है ना वो कितना आया है, माइनस का वन आया है, ठीक है। ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट। इससे हम स्लोप ऑफ नॉर्मल भी निकाल लेते हैं साथ के साथ, क्योंकि हमें नॉर्मल की इक्वेशन भी लिखनी है, अगर नहीं लिखनी होती तो कोई जरूरी नहीं था, ठीक है ना। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल, अब आपको याद होगा बेसिक में मैंने अच्छे से समझाया था कि स्लोप ऑफ टेंजेंट का ही रेसिप्रोकल और एडिटिव इनवर्स, मतलब नेगेटिव साइन लगा करके हम क्या बनाते हैं, स्लोप ऑफ नॉर्मल बनाते हैं। तो देखिए वन का रेसिप्रोकल क्या होगा, वन ही होगा, और माइनस मैं लगाऊंगा, माइनस यहां पर है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस, यानी कि स्लोप ऑफ नॉर्मल आपका कितना आ गया, वन। अब हम दोनों की इक्वेशन आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए इक्वेशन लिखते हैं किसकी, टेंजेंट की, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, ठीक है भाई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। तो फॉर्मूला क्या था, वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। तो y माइनस वाई वन, वाई वन मतलब जो y की वैल्यू आपने निकाली थी, और y की वैल्यू कितनी आई थी हमारे पास, वन, ठीक है। यहां पर रिप्लेस कर देता हूं, हम इक्वेशन टेंजेंट की लिख रहे हैं तो स्लोप भी टेंजेंट का लिखेंगे, टेंजेंट का स्लोप कितना है, माइनस वन, एक्स माइनस एक्स वन, एक्स वन आपका x की वैल्यू मतलब ये वाली, ठीक है। तो ये क्या थी, पाई बाई टू प्लस वन। अब देखिए यहां पर बाहर माइनस का साइन है तो अंदर के साइन चेंज होंगे, वैसे वो पाई बाई टू प्लस वन था, लेकिन यहां पर क्या लिखना पड़ेगा मेरे को, माइनस वन, क्योंकि बाहर माइनस का
साइन था, ठीक है ना, तो अंदर के साइन चेंज हो गए, तो वाई माइनस वन इक्वल्स टू माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस वन को एक्स से मल्टीप्लाई करेंगे क्या हो जाएगा माइनस का एक्स, माइनस वन को इससे करेंगे माइनस माइनस क्या हो जाएगा भाई प्लस, और क्या आएगा आपके पास पाई बाई टू, माइनस वन को माइनस वन से करेंगे तो माइनस माइनस प्लस वन इंटू वन वन हो जाएगा, ठीक है। अब इनको क्या करना है, हमें एक्स को पॉजिटिव रखना है, ठीक है ना, तो इन टर्म्स को सभी को इधर ले आते हैं, तो देखिए ये एक्स इधर आएगा कैसा हो जाएगा प्लस का, अब मैं प्लस का वाई लिख देता हूँ, ये तो पहले ही इधर था, अब ये माइनस का वन लिख देता हूँ, ये भी इधर ही था, पाई बाई टू इधर आएगा किसका हो जाएगा भाई माइनस का, और ये प्लस का वन इधर आएगा, ये भी किसका हो जाएगा माइनस का, और इक्वल्स टू क्या बच गया आपके पास जीरो, ठीक है। अब लाइक टर्म को थोड़ा एड सब्ट्रैक्ट कर लो, तो एक्स प्लस वाई और माइनस का क्या है मेरे पास पाई बाई टू, माइनस का वन कितना हो जाएगा भाई माइनस का टू, और इक्वल्स टू जीरो। और सोल्व करना चाहते हैं तो इसका क्या ले लेंगे आप, एलसीएम ले लेंगे, ठीक है ना, अपॉन में टू आपको दिखाई दे रहा है तो इसका एलसीएम ले लो, और सोल्व करना है तो चलिए कर ही देते हैं, और थोड़ा सोल्व कर देते हैं इसको, एलसीएम क्या ले लेते हैं यहां से टू, ठीक है, तो टू आपका एलसीएम हो गया, और इक्वल्स टू में क्या था जीरो, तो देखिए टू एलसीएम हुआ, इसके अपॉन में कुछ नहीं है, वन लेट कर लीजिए सभी के अपॉन में, इसके साथ सोल्व करूंगा तो एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, क्या हो जाएगा टू एक्स, वाई के साथ करूंगा टू वाई, और इसके साथ जब सोल्व करूंगा तो इसके अपॉन में टू है, तो एलसीएम वाला टू इससे क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा माइनस का पाई बचेगा, ठीक है ना, और इसके अपॉन में वन है मतलब इससे तो कैंसिल होगा नहीं, तो एलसीएम सीधा मल्टीप्लाई हो जाएगा, कुछ नहीं किया है एलसीएम लेकर के सिंप्लीफाई किया है, ठीक है ना, ये चीज तो आपको आती होगी, सिक्स सेवन्थ क्लास में ही सीख लेते हैं हम, टू डिवाइड हो रहा था उधर जाके मल्टीप्लाई होगा जीरो से, तो क्या हो जाएगा जीरो हो जाएगा, तो यहां पर हो गया टू एक्स प्लस टू वाई माइनस फोर, और ये इसमें से मैंने माइनस भी कॉमन कर लिया है, ठीक है, ये दोनों नेगेटिव थे, मैंने इसमें से माइनस कॉमन कर लिया है, और इक्वल्स टू क्या है जीरो, बस इससे ज्यादा मैं इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकता हूं, तो यहीं पर छोड़ देता हूं, ये आपका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। तो आपको कंप्लीटली सिंप्लीफाई करना है, इक्वेशन तो बनने को तो यही पर बन गई थी, लेकिन पूरा सोल्व मतलब पूरा सिंप्लीफाई करना आपका फर्ज बनता है भाई, तभी आपका आंसर मैच करेगा, ठीक है। तो ये तो क्या आ गई हमारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, अब हम लिखेंगे इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, क्या लिखेंगे भाई इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, तो नॉर्मल में क्या करना है, एक्स वाई की वैल्यू तो सेम ही रहेगी, ठीक है, बस स्लोप नॉर्मल का यूज होगा, तो फॉर्मूला था वाई माइनस वाई वन, तो वाई वन की वैल्यू आपको याद होगी यहां पर लिख रखी थी हमने, ठीक है ना, तो वो क्या थी वन थी, इक्वल्स टू एम, एम क्या था स्लोप, तो नॉर्मल की बात कर रहे हैं तो नॉर्मल का स्लोप कितना है वन, एक्स माइनस एक्स वन, तो एक्स वन क्या था याद होगा यहीं पर लिखा हुआ था, क्या था भाई पाई बाई टू प्लस वन था, तो बाहर माइनस का साइन है, अंदर के साइन क्या हो जाएंगे चेंज हो जाएंगे, ठीक है, तो ये पाई बाई टू माइनस वन हो गया। अब वन को अंदर मल्टीप्लाई करेंगे तो वाई माइनस वन इक्वल्स टू ये क्या आएगा आपका सेम आएगा, यहां से एच डी जा जाएगा भाई, ठीक है। अब देखिए मुझे एक्स को पॉजिटिव रखना है इसलिए मैं इनको उधर लेके जाऊंगा, तो वहां पर है मेरे पास एक्स माइनस क्या है पाई बाई टू माइनस का वन है, ये प्लस का वाई इधर आएगा किसका हो जाएगा माइनस का, और माइनस का वन इधर आएगा किसका हो जाएगा प्लस का, अब यहां पर कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे जीरो, लेकिन आगे जीरो लिखना ठीक नहीं लगेगा तो हमने पीछे जीरो लिख दिया है, ठीक है, तो प्लस का वन और माइनस का वन क्या हो गया कैंसिल, क्या बचा भाई एक्स बचा है, यहां से माइनस का वाई पहले लिख देता हूं, फिर माइनस का क्या है मेरे पास पाई बाई टू, और इक्वल्स टू क्या है जीरो। आप चाहो तो इसका एलसीएम ले सकते हो वरना कोई जरूरी भी नहीं है, ठीक है ना, तो एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा एलसीएम लेंगे तो यहां से ये टू आपका एलसीएम में चला जाएगा, यहां पर हो जाएगा 2x, यहां पर हो जाएगा 2y, और इसमें 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, तो ये आंसर हो जाएगा फाइनल। हाँ, जो एलसीएम वाला 2 था वो उधर जाएगा, 0 से मल्टीप्लाई होगा 0 हो जाएगा, ठीक है, तो ये आपका आंसर है, यहां पर कंप्लीटली सिंप्लीफाई हो गया ये। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, तो नेक्स्ट है भाई आपका क्वेश्चन नंबर 25, वो देखिए क्या करना है 25 में, फाइंड द इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट, आपको टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है एट द पॉइंट, ये पॉइंट आपको गिवन है, ठीक है ना, और टू द कर्व, ये कर्व आपको दी हुई है, तो देखिए टेंजेंट की इक्वेशन निकालनी है, इसका मतलब पॉइंट चाहिए, तो पॉइंट तो आपको दिया हुआ है, ये एक्स की वैल्यू हो गई और ये वाई की हो गई, तो दूसरा क्या चाहिए स्लोप, अब स्लोप कैसे मिलेगा हमें भाई, डेरिवेटिव करना पड़ेगा, मतलब डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इससे, ठीक है ना, तो गिवन कर्व तो हमारे पास क्या हो गई भाई, गिवन कर्व क्या हो गई है यहां से, द गिवन कर्व इज क्या दी हुई है, ये आपको गिवन है रूट एक्स प्लस रूट वाई, और इक्वल्स टू क्या है हमारे पास ए, ठीक है, तो चलिए इसका डेरिवेटिव कर लेते हैं, डिफरेंशिएशन कर लेते हैं विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू एक्स
रूट का क्या होगा भाई, सीधा बताया था मैंने, वन अपॉन टू लिखें और रूट की टर्म को एच डी से नीचे लिख दें, ठीक है। ये रूट का हुआ है, वन अपॉन टू और रूट की टर्म एच डी। अगर आपने सेवन चैप्टर में से पढ़ा है तो आप समझ गए होंगे इस बात को, ठीक है। और x का डेरिवेटिव विद रेस्पेक्ट टू x क्या होता है, वन होता है, तो वो लिखना जरूरी नहीं है, ठीक है ना। रूट का y का करेंगे तो ये भी क्या हो जाएगा, वन अपॉन रूट y हो जाएगा, ठीक है ना। जब भी स्क्वायर रूट का करना हो वन अपॉन टू लिख के टर्म का एच डी नीचे लिख दो। अब किसका होगा, y का, तो y का तो क्या होता है भाई, dy अपॉन dx होता है। और इधर ये आपका a है, ना तो इसके साथ x है और ना ही y, ये कांस्टेंट है और कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, जीरो, ठीक है। अब आपको यहां से dy अपॉन dx की वैल्यू निकालनी है, तो इस वाली टर्म को हम पहले उधर लेके जाएंगे, ये प्लस की है, ठीक है ना, तो उधर जाएगी किसकी हो जाएगी भाई, माइनस की हो जाएगी। तो यहां पर हो गया आपका dy अपॉन में dx, ये प्लस की टर्म थी, इधर आई हमारी किसकी हो गई, माइनस की, तो ये हो गया वन अपॉन टू रूट ऑफ x। अब ये इससे मल्टीप्लाई हो रहा है तो उधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, और डिवाइड होगा तो कहां पर आ जाएगा भाई, मतलब ये उधर जाके डिवाइड होगा, ठीक है ना। तो डिवाइड होगा तो इसका क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, पलट जाएगी टर्म, तो वन अपॉन रूट एक्स और इंटू में क्या हो जाएगा, टू रूट ऑफ वाई अपॉन वन, क्लियर है ना। यहां पर ये मल्टीप्लाई हो रहा था, उधर जाके डिवाइड होगा, फ्रैक्शन के अपॉन में फ्रैक्शन है, तो नीचे वाले का क्या हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, ठीक है। तो टू से टू क्या हो गया, कैंसिल, यहां से बचा हमारे पास डीवाई अपॉन में डीएक्स इक्वल्स टू, देखिए ये माइनस का साइन था यहां पर लगा दिया मैंने, रूट वाई बचा है और अपॉन में क्या है, रूट एक्स, तो न्यूमिनेटर में बचा है रूट वाई और डेनोमिनेटर में क्या बचा है, रूट एक्स, दोनों पर रूट है, अलग अलग लिखने की बजाय एक साथ लिख देते हैं, ठीक है। तो रूट वाई अपॉन रूट एक्स ऐसे लिख दिया मैंने, क्लियर है। अब देखिए एक्स वाई की वैल्यू अगर हमें गिवन नहीं होती तो बात अलग थी, एक्स वाई की वैल्यू हमें गिवन है, ये पॉइंट में ये एक्स की वैल्यू है और ये वाई की, तो दोनों रिप्लेस करनी पड़ेगी, ठीक है, तो रिप्लेस कर देते हैं, तो डीवाई अपॉन में डीएक्स इक्वल्स टू माइनस रूट वाई, वाई की वैल्यू क्या है भाई, ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। और नीचे एक्स की वैल्यू भी सेम ही है, ए स्क्वायर बाई फोर, तो ये तो दोनों सेम है, तो क्या हो जाएंगे, कैंसिल, ठीक है। तो क्या बचा, डीवाई अपॉन में डीएक्स, बाहर माइनस का साइन था, रूट के अंदर कुछ नहीं बचा, क्या बचा, वन, और वन का जो स्क्वायर रूट होता है ना वो वन ही होता है, बाहर माइनस का साइन था, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि डीवाई अपॉन डीएक्स की वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है भाई, माइनस वन आ गई है, यानी कि स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास, स्लोप ऑफ टेंजेंट, ठीक है, स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या आ गया आपके पास, माइनस का वन आ गया, ठीक है। स्लोप ऑफ टेंजेंट कितना आ गया, माइनस वन, और पॉइंट आपको ऑलरेडी गिवन था, तो अब हम इक्वेशन लिख सकते हैं, ठीक है ना, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या हो जाएगी, ये होगा आपका वाई माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन, ठीक है ना। तो y माइनस वाई वन, वाई वन मतलब y की वैल्यू पॉइंट से, तो आपको क्या गिवन है, ए स्क्वायर बाई फोर इक्वल्स टू एम मतलब स्लोप आपको क्या गिवन है, माइनस का वन, तो x माइनस एक्स वन क्या हो जाएगा आपका, ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। चलिए इसको थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं, तो y माइनस ए स्क्वायर बाई फोर, माइनस वन को अंदर मल्टीप्लाई करूंगा, माइनस का x हो जाएगा, ठीक है, क्योंकि अंदर के साइन चेंज होंगे, और प्लस माइनस माइनस प्लस क्या हो जाएगा भाई, ए स्क्वायर बाई फोर, ठीक है। अब क्या करते हैं, देखिए सभी को एक तरफ ले आते हैं, एक्स के टर्म को इधर लेके आएंगे, ये माइनस का एक्स है, इधर आएगा किसका हो जाएगा, प्लस का, और प्लस का वाई यहां पर पहले से ही था, साथ ही यहां से बचा हमारे पास माइनस का ए स्क्वायर बाई फोर, और ये प्लस का था इक्वल टू के, इधर आएगा किसका हो जाएगा, माइनस का, ठीक है ना। इक्वल्स टू में कुछ नहीं बचा तो क्या लिखेंगे, जीरो। अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं और सिंप्लीफाई करने के लिए, ठीक है ना। तो एलसीएम लेंगे कितना आ जाएगा, फोर, तो 4x से सीधा मल्टीप्लाई होगा, 4x 4y से भी सीधा होगा, क्या हो जाएगा भाई, 4y, और इससे मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर, इससे भी मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से 4 कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा, ए स्क्वायर और इक्वल टू जीरो। ये 4 डिवाइड हो रहा था, उधर जाके क्या होगा, मल्टीप्लाई होगा, तो मल्टीप्लाई होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो यहां से बचा हमारे पास भाई 4x प्लस क्या बचा है, 4y माइनस का ए स्क्वायर माइनस का ए स्क्वायर, लाइक टर्म है ना, तो माइनस का क्या हो जाएगा, टू ए स्क्वायर और इक्वल्स टू क्या हो गया, जीरो, ठीक है ना। अब इसके अंदर मुझे टू और कॉमन दिखाई दे रहे हैं, तो टू भी चलिए इसमें से कॉमन कर लेते हैं, तो टू कॉमन करेंगे तो क्या होगा भाई, टू अगर मैं इसके अंदर से कॉमन करता हूं तो यहां पर बचेगा मेरे पास टू एक्स, ठीक है, टू इसमें से कॉमन हो गया, प्लस इसमें से टू कॉमन होगा तो क्या बचेगा, टू वाई, ठीक है, और नेक्स्ट जो है उसमें से टू कॉमन होने के बाद क्या बचेगा, ए स्क्वायर। अब ये 2 मल्टीप्लाई हो रहा था, इधर जाके क्या होगा, डिवाइड होगा, डिवाइड होगा तो क्या हो जाएगा, जीरो। तो बचा 2x प्लस 2y माइनस ए स्क्वायर और इक्वल्स टू जीरो, तो ये आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। अभी भी कुछ क्वेश्चन इसमें बचे हुए हैं, अगर इसी वीडियो में कंप्लीट करते हैं तो वीडियो थोड़ी लेंथी हो जाएगी, इसलिए इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं, और एक पार्ट और आएगा इस एक्सरसाइज पर, ठीक है।
तो वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें अब तक नहीं किया है तो, और बेल आइकन को दबा लें ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।